हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों की जो सक्षमता की परीक्षा होने वाली थी, आप सभी लोगों की सक्षमता 2 की और जो सक्षमता 1 हुआ था आप सभी लोगों का, उसका भी आप सभी लोगों काउंसलिंग का डेट आने वाला था जो कि आ चुका है। और आप सभी लोगों का सक्षमता परीक्षा 2 का भी डेट जो है कि आ चुका है। चलिए जानते हैं कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कब होगा और काउंसलिंग आप सभी लोगों का और आवंटन प्रक्रिया कब से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी का एक कटआउट है इस मॉर्निंग में, न्यूज़ जो निकल के आई है यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। जून के दूसरे सप्ताह में होगी शिक्षकों की काउंसलिंग, यानी कि आप सभी लोगों को पहले ये कहा गया था और अभी भी यही कहा गया है कि सक्षमता 2 परीक्षा होने के बाद ही जो है कि सक्षमता 1 में जो टीचर ने एग्ज़ाम दिया है उनका एक साथ ही काउंसलिंग होगा। अगर जून के दूसरे सप्ताह से अगर उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है अराउंड 14-15 तारीख से, यानी कि उससे पहले 14-15 जून से पहले जो है कि आप सभी लोगों का सक्षमता का परीक्षा ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, जून के अंत तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की होगी पदस्थापन, यानी कि लास्ट तक आप सभी लोगों का पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग भी हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का जून के अंत तक नए स्कूलों में पदस्थापन किया जाएगा और इसी लक्ष्य के साथ शिक्षा विभाग ने तय शुरू कर दिया है कि इसके लिए जून के दूसरे सप्ताह से शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी, यानी कि आप सभी लोगों की सेकेंड वीक से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जो स्कूल में रिक्त पदों की सूची विभाग को उपलब्ध करा दे ताकि संबंधित पोर्टल पर इसे अपलोड किया जा सके। नए स्कूल में योगदान के साथ ही इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा और ये सरकारी कर्मी हो जाएंगे। विभाग में यह भी फैसला लिया है कि शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधित जिलों में ही कराई जाएगी और मालूम हो कि आचार संहिता में काउंसलिंग पर लगी रोक को देखते हुए विभाग ने पूर्व में निर्णय लिया था कि 3 सक्षमता परीक्षा कराने के बाद एक साथ सभी पदस्थापन किया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा में विलम्ब होने में अब विभाग ने निर्णय लिया है कि पहली सक्षमता परीक्षा के उत्तीर्ण इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन करा दिया जाएगा। पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,000 के आसपास जो है कि टीचर जो है कि उत्तीर्ण हुए थे। दूसरे और तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद उस पर लगने से फिर विभाग निर्णय लेगा। ठीक है, आगे बढ़े तो इसमें लिखा हुआ, विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहर क्षेत्र में स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा। ठीक है, इनको देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल के रिक्त पदों अलग अलग सूची तैयार की जाएगी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो न्यूज़ जारी किया गया है इसमें ये बताया गया है कि आप सभी लोगों का जो भी टीचर का ज़्यादा नंबर आया होगा उनको शहर में बहुत जल्दी जहां उन्होंने दिया होगा वहां पर पोस्टिंग मिल जाएगी, और जिन्हें अच्छा नंबर नहीं आएगा वो लोग सक्षमता 2 परीक्षा देकर के अपना स्कूल अच्छा कर सकते हैं और शहर में पोस्टिंग ले सकते हैं। 3 जून तक सभी जिलों में विद्यालयों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई, यानी कि 3 जून तक सभी स्कूल से जो है कि रिक्तियों की सूची मांगी गई है और विभाग ने बदलाव निर्णय दूसरी सक्षमता परीक्षा का इंतजार नहीं करेगा। यानी कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरी सक्षमता परीक्षा में ये लोग उसका वेट नहीं करेंगे, बट इन लोगों का पहले से भी यही कहना था कि दूसरी सक्षमता से पहले आप सभी लोगों का जो है कि उसके बाद ही काउंसलिंग होगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, अगर ये लोग 14-15 तारीख को अगर इसकी काउंसलिंग स्टार्ट करवा देते हैं तो यानी कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है 12-13 तारीख को आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन सक्षमता परीक्षा का हो जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लें, क्योंकि आप सभी लोगों का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 10 से 12 दिन में आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये थी आज की अपडेट। इसके अलावा अगर आप सभी लोगों को इसके अंदर कोई भी चीज़ जानना है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।